नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पाटलिपुत्रा पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई लोग वहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। सर आप लोग आगे नहीं आइएगा। आपको बता दें कि जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया। वहीं 1996 में बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री भी बने रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार दो बार प्रधानमंत्री बने। वरिष्ठ सांसद वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे थे। वहीं लोकसभा, आपको बता दें, में लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए थे, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत किया था और उसमें उन्होंने भाग भी लिया था, वहीं राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र भी थे। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति ज्यादा बढ़ी और उनकी यह रुचि वर्षों तक बनी रही। साथ ही विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने इस कौशल का परिचय दिया। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इलेवन। नमस्कार। न्यूज़ 1 इलेवन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।